आज हम जा रहे हैं पहलगाम श्रीनगर से, क्योंकि आज हमने दिन में श्रीनगर कवर किया था, थोड़े से पॉइंट्स वहाँ पर, तो थोड़ा लेट निकले हैं, 3 बजे निकले हैं। पहलगाम तक का रास्ता करीब 91 किलोमीटर्स का है, जो कि 2.5 घंटे में कह रहा है गूगल के हम कवर कर पाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। काफ़ी बारिश हो रही है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वैली में बारिश जो होती है, मॉनसून जो होती है, वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है, और हमें सुबह से लगातार बारिश मिल रही है आज। पर ये भी एक अलग नज़ारा है, अलग मौसम है, अलग मज़ा है। काफ़ी सुंदर रास्ता है, पैडी फील्ड्स भी आ रहे हैं बीच में रास्ते में। बारिश नहीं होती तो शायद रुककर हम कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचते, थोड़ा देखते, पर इसमें भी मज़ा आ रहा है। और ज़्यादा ठंड नहीं है, इट इज़ प्लेजेंट इन फैक्ट आई वुड से। हालांकि अभी बारिश हो ही रही है, पर हमारा प्लान है कि हम बीच में लेथीपुरा रुकेंगे, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे सैफ्रन काफ़ी अच्छा है, हमने सुना है, तो वहाँ पे एक बार शॉपिंग के लिए ज़रूर रुकेंगे, हॉल्ट करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हियर एट द सैफ्रन विलेज, यहाँ पे खेती होती है सैफ्रन की, और खेती तो एक ही महीना होती है, फ्रॉम अक्टूबर टू नवम्बर, एंड इज अ फ्लावर फ्रॉम विच there are 3 strands of saffron that comes out and they harvest. So here we are buying Kashmiri saffron. हालांकि आपको सैफ्रन हर जगह मिल जाएगा कश्मीर में, लेकिन हमने सुना था कि यहाँ लेथीपुरा में जो सैफ्रन उगता है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही डिफरेंट वैरायटी का होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने सोचा क्योंकि हम यहाँ पे हाईवे पे इसको कवर करेंगे ही, तो डायरेक्टली गांव से क्यों ना ख़रीदा जाए। इनफैक्ट आपको यहाँ पे बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और एक गुलकंद भी है यहाँ पे, काफ़ी टेस्टी लगा जब हमने इसको टेस्ट किया, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। हमारी शॉपिंग अब बस ख़त्म ही हो गई है और हम लोग अपने हाईवे पे वापस आ गए हैं। हालांकि पहलगाम का अगर रास्ता देखा जाए, एरियल डिस्टेंस देखा जाए, तो सिर्फ 40 किलोमीटर्स ही है श्रीनगर से, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने हमें पीर पंजाल रेंज दिख रही है, तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, और इसीलिए वो डिस्टेंस 91 किलोमीटर्स हो जाता है। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, हालांकि रोड काफ़ी अच्छे हैं, तो ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एज सच। अब हम निकल रहे हैं बिजबहारा के अंदर से, जो कि एक छोटा सा गांव है, विच इज़ लाइक अ बाईपास टू अनंतनाग। और ऑल्दो हम अनंतनाग सिटी को तो बाईपास कर रहे हैं, इस बहाने हम लोग इंटीरियर्स देख पा रहे हैं कश्मीर का। थोड़े कंजस्टेड रोड हैं, छोटे हैं अंदर से गलियां, लेकिन इसी बहाने हम लोगों ने यहाँ के लोकल जो बिल्कुल होते हैं, जैसे कहते हैं मार्केट्स वगैरह, वो देख लिए, नॉन टूरिस्टी मार्केट्स आई वुड से। तो अगर आपको कुछ रास्ते में पसंद आए तो हम ख़रीद भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी शॉप्स थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप्स थी कपड़ों की यहाँ पे। इनफैक्ट इस स्ट्रेच को क्रॉस करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के अंदर से रास्ता निकल रहा है, बट दिस इज़ व्हाट द गूगल मैप्स शोड एंड वी ट्रस्टेड इट कि शायद यही शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट होगा। तो हम लोग इसी पे चले हुए हैं, देखते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे कितनी देर में पहुँचते हैं। एंड आई थिंक वी आर बैक ऑन द हाईवे नाउ। हम लोग ने मार्केट वगैरह काफ़ी पीछे छोड़ दी है, कम्प्लीटली चेंज हो गई है सेटिंग। जहाँ पे पहले खुली सी एक वैली दिख रही थी, अब हम पहाड़ों के अंदर जाते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिली सा एक, जिसे कहते हैं, सेटअप आ गया है पूरा का पूरा। इनफैक्ट काफ़ी ठंड भी अब बढ़नी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे, एक तो बारिश की वजह से भी एंड बिकॉज वी आर अप्रोचिंग दी माउंटेंस, तो दोनों ही रीज़न हैं। बाकी प्लांट्स अगर आप देखें, जो वेजिटेशन है वो भी काफ़ी चेंज हो गई है, पाइन ट्रीज हमें दिख रहे हैं। हमारे साथ साथ में एक रिवर भी चल रही है, अगर आपको लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, तो दिस इज़ द लिडर रिवर। हालांकि ड्राइव हमारी पहाड़ में है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं रोड काफ़ी अच्छा है और यू हैव इनफ स्पेस टू मैन्यूवर, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर ड्राइविंग में, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ रादर वेरी लेस कंजस्टेड अगर हम उसको कंपेयर करें श्रीनगर से। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हमें अभी तक नहीं दिखे हैं, कोई बसेस वगैरह इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कम क्राउडेड होगा श्रीनगर के कंपैरिजन में। और हम एग्जैक्टली 6 बजे पहलगाम पहुंच गए हैं, तो हमें 3 घंटे लगे श्रीनगर से यहाँ पे आने में,
और अगर हम अपना शॉपिंग का आधा घंटा निकाल दें तो यस, गूगल वॉज राइट, वी रीच्ड पहलगाम इन 2.5 आवर्स। तो अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा रास्ता था और हमें ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी स्मूथ था। सिर्फ एक जो हमने अनंतनाग को बाईपास करते हुए बिजबहारा को क्रॉस किया था वहाँ पे थोड़ा कंजेशन मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज अ वेरी गुड राइड, क्वाइट सीनिक इन फैक्ट आई वुड से। पहलगाम टाउन जो है वो लिडर नदी के किनारे ही बसा हुआ है और अगर मैं लिडर वैली की बात करूँ तो ये एक वाई शेप्ड वैली है क्योंकि जो रिवर है ऊपर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक ईस्ट लिडर और एक वेस्ट लिडर। ईस्ट लिडर पे आपका चंदनवाड़ी पड़ता है जहाँ से अमरनाथ यात्रा भी शुरू की जाती है, और वेस्ट लिडर की अगर बात करूँ तो ये कॉलहोई ग्लेशियर जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। बहुत लंबी नदी नहीं है ये, सिर्फ 73 किलोमीटर्स के बाद ही ये अनंतनाग के पास जाकर झेलम में मिल जाती है, पर काफ़ी अच्छी वैली है, सुंदर वैली है और रिवर हमारे साथ साथ पूरे टाइम रहेगी जब तक हम इस वैली में रहेंगे। मौसम की अगर मैं बात करूं, अगर बारिश को हम हटा भी दें तो ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे श्रीनगर से। श्रीनगर जो कि 1600 मीटर्स के आसपास था, पहलगाम वहीं 2200 मीटर्स पे सिचुएटेड है, तो ठंड तो काफ़ी होगी यहाँ पे। बारिश में भी इस वैली ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया है अपने व्यूज़ के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो। आप देख सकते हैं रिवर के साथ साथ ड्राइव करना इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन। आई कांट वेट टू सी दिस वैली टुमारो। हमने सोचा है कि हम आरू वैली और बेताब वैली को कवर करेंगे कल, पर अभी भी इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल टिल नाउ, काफ़ी सीनिक लग रहा है। पहलगाम की चेक पॉइंट के बाद भी काफ़ी रास्ता आपका सिर्फ पहाड़ों में निकल जाता है जहाँ पे आपको बहुत बसावट नहीं नज़र आती है, और हम फाइनली थोड़ा टाउन के अंदर आ गए हैं जहाँ पे हमें होटल्स वगैरह दिखने स्टार्ट हो गए हैं, मार्केट भी है, रेस्टोरेंट्स भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे हमें थोड़े टूरिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो आई वुड नॉट से दैट इट इज़ नॉट टूरिस्टी एट ऑल, टूरिस्ट हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो कुछ भी, और वैली काफ़ी बड़ी है तो आई थिंक स्प्रेड आउट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। काफ़ी सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो यू हैव द इंटायर प्लेटर विद यू, आप चेक कर सकते हो आपको कश्मीरी खाना है या आपको पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। अगली वीडियो में हम बेताब वैली को कवर करेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत है, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। अगर आपको हमारी अभी तक की सारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए।